वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था पोएम वोकेशन का, वो पार्ट अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, गौर फरमाइए। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ डैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। यहाँ पर बच्चा कहता क्या है, थोड़ा हम पीछे जाएंगे कि बच्चा जब स्कूल से लौटता है और हॉकर को देखता है तो उसके जैसी बनने की इच्छा हो जाती है। इस स्टेंजा में कवि क्या कहता है कि जब वो स्कूल से लौटता है तो वो बच्चा जो है एक घर के दरवाजे में झांक कर देखता है तो गार्डन में एक गार्डनर, एक माली जो है वो ज़मीन की खुदाई करता रहता है। उसे वो बड़ा गौर से देखता है रिटर्निंग के वक्त में। ही डज व्हाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। बच्चा क्या देखता है कि ही जो है गार्डनर है, वह वही करता है अपने स्पेड से, अपनी उस कुदाल से, अपने उस फावड़े से जो उसकी मर्जी होती है, जो इसकी इच्छा होती है, यानी जैसे वो चाहता है अपनी कुदाल से वैसा करता है। ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। यहाँ पर रेड में मीनिंग देखेंगे सोइल्स। सोइल्स मीन्स डर्टीज, यानी कहता क्या है कि ही सोइल्स हिज क्लोथ्स विथ डस्ट। वो अपने शर्ट को धूल से, मिट्टी से गंदा कर लेता है। लेकिन बच्चा क्या देखता है कि वो अपना शर्ट गंदा नहीं कर सकता है, उसे घर पे ही और स्कूल में ये ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर गंदा करता है तो उसको डांट पड़ेगी, पेरेंट्स डांटेंगे घर पे और टीचर जो है स्कूल में डांटेंगे। तो बच्चा देखता है कि ये आज़ादी उसे नहीं है, ये मर्जी उसको नहीं है, जो उस गार्डनर को है जो कुछ भी कर सकता है। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। यहाँ पर एक और वर्ड मीनिंग देखेंगे, takes him to task। इसका मीनिंग है escorts him। escort means डांटना, फटकारना। यानी बच्चा देखता क्या है कि वो गार्डनर जो कुदाल से खुदाई करता रहता है, मिट्टी से अपने कपड़े को गंदा भी कर लेता है, कोई भी नहीं है, nobody, ना उसके मम्मी, ना पापा, ना भाई बहन, बाहर वाले, अंदर वाले कोई भी नहीं है जो उसको आकर डांट कर कहें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों धूप में खड़े हो, तुम क्यों गीले हो रहे हो या कभी बिल्कुल सूख जा रहे हो, ऐसा तुम क्यों करते हो। यानी धूप का उस पर असर जो है, जो भी असर पड़े उसमें वो खुश दिखाई देता है और ये चीज़ बच्चे को बड़ा पसंद आता है। लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि जिस कड़ी धूप में वो मेहनत कर रहा है उसके पीछे बहुत सारे वजह होंगे, कारण होंगे। बच्चा सिर्फ काम को देखता है, वजह को नहीं देखता है, इसीलिए वो काम उसको बड़ा अच्छा लगता है। शायद वो भूल रहा है कि वो जो काम कर रहा है पढ़ाई का, वो सबसे अच्छा काम है। लेकिन ये बात छोटे से मन को, छोटे से बच्चे को कौन समझा। आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। उसकी इच्छा होती है काश वो भी एक गार्डनर होता और कुदाल से मिट्टी खोदता रहता, कोई भी ना होता जो उसको खुदाई से रोकता। जिस तरह वो अपनी मर्जी के हिसाब से फ्रीली काम कर रहा है, बच्चा भी इच्छा करता है वो भी ऐसे ही करता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। लेकिन उसके साथ होता क्या है, जैसे ही अंधेरा होता है, शाम होती है, माँ उसे डांट कर बिस्तर पर भेज देती है कि चलो अब सोने चलो। लेकिन बच्चा को ये सब रास नहीं आता है, वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहता है कि कोई उसे कुछ करने से रोके नहीं। I can see through my open window the watchman walking up and down। बच्चा जो अपने घर में होता है वहाँ से खिड़की खोलकर वो बाहर का नज़ारा देखता है तो क्या देखता है कि एक वॉचमैन है, एक चौकीदार है जो इधर से उधर आता जाता रहता है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head। बच्चा गलियों में क्या देखता है कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, सन्नाटा है, और वो चौकीदार जो है, वॉचमैन जो है, अकेले है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट। और उस गली में जो लैंप पोस्ट लगा हुआ है, यानी जो लैंप लगा हुआ है जो एक बिल्कुल खंभे पर है, चाहे वो लोहा का हो सकता है या लकड़ी का हो सकता है, पुराने ज़माने में ऐसे लगाया जाता था और आज भी है ये पोल जिसपे लैंप लगे रहते हैं, लाइट्स लगी रहती है। तो कहता है बच्चे को
उस सुनसान गली में वो जो पोल है जिस पर एक लाइट है, वो एक विशाल राक्षस के जैसे उसे दिखाई देता है, जैसे कोई विशाल राक्षस खड़ा हो और उसकी एक आँखें हो, यानी वो लाइट जो जल रही है उसकी तुलना वो एक आँख से कर रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। बच्चा क्या देखता है, ये चौकीदार है अपने लालटेन को हिलाते हुए अपने परछाई के साथ चलता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। उसके चलने से, उनकी हरकतों से बच्चा को ऐसा लगता है कि शायद ये चौकीदार अपनी पूरी जीवन में कभी सोया नहीं होगा। बच्चा की इच्छा फिर बदल जाती है, उसकी अपनी इच्छा कन्वर्ट हो जाती है और वो लगता है उसके इच्छा के बारे में सोचने कि उसका इच्छा कितना बढ़िया है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न। बच्चा को ये अदा बड़ी अच्छी लगती है और वो सोचता है काश मैं भी एक वॉचमैन होता, मैं भी गलियों में पूरा रात घूमता भटकता इधर से उधर, और चेसिंग द शैडोज विथ माई लैंटर्न, और परछाइयों को अपने लैंटर्न से पीछा करता रहता। बहरहाल ये तो बड़ी सुंदर कल्पना है बच्चे की जो ऐसा करना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो जो कर रहा है वो सबसे सुंदर है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं है। क्योंकि बच्चों को कड़वी सच्चाई सही से पता नहीं चलता है, वो जो करते हैं उन्हें खराब लगता है, दूसरे जो करते हैं वो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन इस बात को उससे कौन समझा है, इसी चीज़ को इस कविता के अंदर दिया गया है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन और आंसर मैं भेजूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।